इस तरीके से ये यहाँ से फिट करेंगे। ये पैकिंग इस तरह से लगती है, ये ऐसी लगती है। इसे एक नट पहले फंसा लेंगे इसमें, और उसके बाद इधर से ये ऐसे लगा लेंगे, और पैकिंग का नट इधर से भी डाल देंगे। तो इस तरीके से ये पैकिंग इसमें फिट होती है। और उसके बाद ये जो इसका ये पिस्टन है, तो ये जो स्क्रू आइडल का होता है, ये देख लीजिए आप, ये ऐसा और ये इधर से ऐसा। तो आपको क्या करना है, जो ये स्क्रू है आइडल के, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से नहीं दिख रहा, ये ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे डालना है। तो ऐसे ये फिट हो जाएगा, तो ये फिट हो गया, और ये दो स्क्रू टाइट कर देंगे। और ये चोक का केबल ऐसे खींच के इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे इसमें फंस जाएगा, और ये ऐसे। और पेचकस के इसको टाइट करेंगे, टाइट कर देंगे। और उसको भी टाइट कर दें। इसका फिल्टर जो है हमने खोल रखा है, यह फिल्टर इनका पूरा खराब हो गया है, और फिर भी कह रहे थे कि मेरा फिल्टर नया ही है, अच्छा है, तो इसमें से एयर नहीं लेगी गाड़ी, यानी पेट्रोल ज़्यादा खींचेगी तो प्लग काला पड़ जाएगा और प्लग ख़राब हो सकता है। तो ये कभी भी तीन महीने में चेंज करते रहे। तो हमारे पास ये बॉश कंपनी का फिल्टर है, ये 232 रुपये इसमें MRP है। ये होंडा एवेंटर ये सभी गाड़ी में लगता है, 3G 4G 5G, ये जेन्युइन पार्ट है बॉश का, कंपनी से यही लग के आता है, तो आप भी यही कंपनी का यूज़ करें। इस तरीके से ये फिट कर लिया, और इस तरीके से कवर लगाए, ये कवर वो वहाँ से नहीं जाएगा, तो इस तरीके से ये फिट करें। इसमें पूरे स्क्रू टाइट कर लेंगे सारे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें से भी एयर नहीं निकलना चाहिए। और हमारे चैनल पर नए अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी पे प्रेस जरूर करें, और आने वाला नया वीडियो आपको मिलता रहेगा, और हमारे वीडियो पे आगे बने रहें, स्किप मत करें, क्योंकि हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। अब उसकी गाड़ी को चालू करके सेटिंग बाकी है, तो कैसे सेटिंग करते हैं ये भी बताएंगे। तो भैया जरा ऑन करें, एवरेज सेट करो, इधर से होगा, ये एवरेज अभी सेट करने वाले हैं, ये आइडल स्क्रू को टाइट करें, यहाँ से दिखा रहे
जहाँ पे सबसे ज़्यादा आइडल सेट होता है वहीं पे छोड़ दीजिएगा और ये आइडल स्क्रू कम कर दीजिएगा। अभी हम गाड़ी पैक करते हैं और इस तरीके से आइडल सेट करके रख देंगे और गाड़ी धीरे चलाइए, माइलेज अच्छा देगी। और माइलेज चेक करने के लिए 40 से 50 के स्पीड में चलाइए और उधर से आने के बाद प्लग खोलिए। अगर आपका प्लग सफ़ेद आ गया हो तो आपका माइलेज सही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और हम नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे कि प्लग कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।